ये जो आखिरी चरण है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी शामिल है, गोरखपुर भी शामिल है, तो इस तरह से कई हॉट सीट भी हैं इस आखिरी चरण में। लेकिन आज इस आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। तमाम बड़े नेताओं ने पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत झोंकी प्रचार प्रसार करने में लास्ट फेज को लेकर। लेकिन इस दौरान तीखी बयानबाजी भी सुनाई दी। किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको देखना चाहिए। चार जून के बाद जो छह महीने हैं उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इसके अलावा छह महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले छह महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, देखेंगे बिखर जाएगी। जब पत्रकार पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जवाब जनता जनार्दन देती है। जनता जनार्दन की ओर से जवाब जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, एक जगह लोगों में शोक की लहर भी थी और वह थी कांग्रेस में। एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। एक जून को इंडिया गठबंधन का बैठक है, क्या है उद्देश्य? इंडिया गठबंधन का बैठक, उनकी पराजय सुनिश्चित है। एक सवाल सर। और वैसे पहले से ही इंडिया गठबंधन तो बिखरा हुआ है, नाम के लिए केवल इंडिया गठबंधन। ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम अंबेडकर जी के संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आपको जो सपने देखने हैं देख लो। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं, मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं। यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज को बांटने की बात की, 224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद 421 बार इस मंदिर और मस्जिद के बारे में किया, 224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात की। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है।
पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे, कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं, जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब अंतिम फेज में है, लेकिन इस दौरान एक गौर करने वाली बात ये रही कि एम फैक्टर का काफी बोलबाला रहा। कैसे, आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एम फैक्टर का बोलबाला कैसे रहा, क्योंकि जब भी जुबानी जंग हुई उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे कि मटन शब्द, इसके अलावा मुगल शब्द, ये तमाम वो वर्ड्स हम आपको बता रहे हैं जो केंद्रित रहे हैं इस दौरान बयानबाजी को लेकर। मंगलसूत्र का जिक्र भी किया गया, मजहबी आरक्षण का मुद्दा भी काफी गरमाया, मुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया गया, माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। एम फैक्टर किस तरह से काफी महत्वपूर्ण रहा इस चुनाव में, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। माफिया शब्द, मदरसा, मुजरा, ये तमाम वो वर्ड्स रहे हैं जिनकी वजह से हमने कहा कि एम फैक्टर का काफी बोलबाला इस लास्ट फेज में नजर आया है।